हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपको कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स का क्विक रिवीजन दूंगी। दैट मींस ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए हैं एंड टू द पॉइंट बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वॉर पोएट्स से। वॉर पोएट्स को हम ट्रेंच पोएट्स भी कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि वॉर पोएट्स और ट्रेंच पोएट्स एक ही हैं, तो इससे हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और ये जो है ब्रिटिश राइटर्स थे, यानी ये जो भी वॉर पोएट्स थे ये सब के सब ब्रिटिश थे, सारे ब्रिटिशर्स थे। इन सब ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे। इससे पहले क्या होता था, लिटरेचर में वॉर को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था, बहुत ही ज़्यादा ऑनर किया जाता था वॉर को, और मतलब बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही ब्रेव वे में वॉर को डिस्क्राइब किया जाता था। मगर जब एक्चुअली वॉर को फेस किया लोगों ने, राइटर्स ने जब वॉर देखा, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इसकी वजह से कितने सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग कितना डिलेमा फेस कर रहे हैं। तो तब उन्होंने ये देखा कि भाई ये वॉर जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसे ऑनर करना गलत है। और तब उन्होंने एंटी वॉर पोइट्रीज़ लिखना शुरू किया, यानी ऐसी पोइट्रीज़ जो वॉर के अगेंस्ट है, जो वॉर की जो नोबल आइडियोलॉजी है उसको अटैक करती है, ऐसी पोइट्रीज़ इन पोएट्स ने लिखना स्टार्ट किया और इन्हें कहा गया कि ये वॉर पोएट्स हैं। इंपॉर्टेंट वॉर पोएट्स के नेम हैं विल्फ्रेड अवेन, रैपर्ड ब्रूक, सिगफ्रिड सैसन, एडवर्ड थॉमस, आइवरी गर्ने, एडमंड ब्लंडन, इसैक रोजनबर्ग, रॉबर्ट ग्रेव्स एंड डेविड जोन्स। तो ये सारे ही नेम्स आप ध्यान रखिए कि ये सारे वॉर पोएट्स थे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि फॉलोइंग में से कौन से वॉर पोएट नहीं हैं या इनमें से कौन वॉर पोएट हैं, तो ये नेम्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। वॉर पोएट्स को हम ट्रेंच पोएट्स कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों का कहना था या इनकी जो थीम्स थी वो ये थी कि वॉर जो है वो हमेशा साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और इमोशनल डिसेबिलिटी को कॉज करता है, इसलिए ये एंटी वॉर पोइट्रीज़ लिखा करते थे। तो ये था वॉर पोएट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉस्ट जनरेशंस। लॉस्ट जनरेशन भी एक्चुअली वही सब राइटर्स थे जो वॉर के अगेंस्ट लिख रहे थे, जिन्हें वॉर पसंद नहीं था। बट ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लॉस्ट जनरेशन के सारे राइटर्स अमेरिकन राइटर्स थे और वॉर पोएट्स सारे ब्रिटिशर्स थे। लॉस्ट जनरेशन आया 1920s से 1930s में। ये ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स था हु शोड डिसकंटेंट एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड फेल्ट डिसिल्यूजन्ड इन दिस अनफेमिलियर पोस्ट वॉर वर्ल्ड। यानी इन्हें भी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके अगेंस्ट, वॉर के अगेंस्ट इन्होंने पोइट्रीज लिखी। तो ये है लॉस्ट जनरेशन। ये जो टर्म है लॉस्ट जनरेशन, ये टर्म दिया था गर्ट्रूड स्टीन ने। तो हमें ध्यान रखना है कि लॉस्ट जनरेशन टर्म वॉज गिवन बाय गर्ट्रूड स्टीन, मगर इस टर्म को पॉपुलर किया गर्ट्रूड स्टीन के फ्रेंड ने अर्नेस्ट हेमिंगवे में। इन्होंने ये जो लेबल है लॉस्ट जनरेशन का, जो लेबल है ये अपनी एक नॉवल द सन ऑल्सो राइजेस के एपिग्राफ में यूज़ किया और वहाँ से ये टर्म लॉस्ट जनरेशन फेमस हुआ। लॉस्ट जनरेशन की जो राइटिंग्स है वो 1920s से 1930s तक है, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ग्रेट डिप्रेशन तक। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में आया था। तो ये क्वेश्चन भी नेट में आ चुका है कि लॉस्ट जनरेशन ने कब तक लिखा, तो ये हुआ 1930s तक, यानी ग्रेट डिप्रेशन तक। कुछ इंपॉर्टेंट लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स हैं गर्ट्रूड स्टीन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड, एज़रा पाउंड, जॉन डॉस पैसोस, जीन राइस, सिल्विया बीच, और कभी कभी टीएस एलियट भी लॉस्ट जनरेशन में काउंट किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें लॉस्ट जनरेशन जब हम पढ़ते हैं तब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उस टाइम पे जो एज चल रही थी वो थी जैज एज। जैज एज का जो नेम है वो जैज म्यूजिक से लिया गया है, वहाँ से ये नेम पॉपुलर हुआ जैज एज। तो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। लोगों को जो है चीज़ों से, पैसों से, इन सब चीज़ों से बहुत प्यार हो गया था। इन्हें पता चला था कि मतलब इनके हिसाब से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच होते गए, जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर होते गए। तो इसे ये एक मटेरियलिज्म की एज थी, तो इसे कहते हैं जैज एज। और ये जो राइटर्स हैं ये जैज एज के इल इफ़ेक्ट्स भी लिखते थे, इन द सेंस कि जैज एज में जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, पार्टीज़ है, मतलब पूरा वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक हो गया था। तो इन सब के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ये राइटर्स लिखा करते थे, लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स।
तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वॉर पोएट्स हैं वो वॉर के अगेंस्ट एंटी वॉर पोइट्रीज लिखते थे, और लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स ज़्यादातर जैज एज के इफेक्ट्स लिखते थे और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उनके बारे में लिखा करते थे। वॉर पोएट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे और लॉस्ट जनरेशन जो थी वो अमेरिकन राइटर्स थे। बेसिकली लॉस्ट जनरेशन में हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ग्रेट डिप्रेशन तक था, टर्म दिया था गर्ट्रूड स्टीन ने, फेमस हुआ था अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नॉवल सन ऑल्सो राइजेस के एक एपिग्राफ में जहाँ पे ये लेबल यूज़ हुआ था, जैज एज यहाँ पे मेंशनड है और इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स। तो ये था वॉर पोएट्स और लॉस्ट जनरेशन के बारे में। आगे भी मैं इसी तरीके से लिटरेरी मूवमेंट्स पे शॉर्ट नोट्स लाती रहूँगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।